हाय गाइस, माय नेम इज इला एंड वेलकम बैक टू हर फैब वे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ बहुत ही अमेजिंग होम इम्प्रूवमेंट टूल्स शेयर करने वाली हूं और ये टूल्स मैं खुद बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूं एंड दे हैव बीन ऑफ ग्रेट हेल्प टू मी, तो आपके साथ तो शेयर करना ही था। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। विंटर्स में हम सभी लोग अपने क्विल्स एंड ब्लैंकेट्स को धूप तो लगाते ही हैं, बट हमेशा एक रिस्क रहता है कि कहीं वो गिर ना जाए या फिर हवा में उड़ ना जाए, क्योंकि उनको होल्ड करने के लिए हम रेगुलर क्लोथ पैक्स तो यूज कर ही नहीं सकते, दे आर टू स्मॉल। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप यूज कर सकते हैं ये लार्ज क्लोथ पैक्स विच आई बॉट फ्रॉम आइकिया। एज यू कैन सी, इनका माउथ काफी वाइड ओपन हो जाता है जिससे आप इनको इजीली यूज कर सकते हैं अपने ब्लैंकेट और क्विल्स को होल्ड करने के लिए, चाहे तो ब्लैंकेट के साइड से या फिर आप चाहे तो रेलिंग के ऊपर से भी इस क्लोथ पैक को लगा सकते हैं। प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व्ड, दे आर अ मस्ट हैव। ये क्लोथ पैक्स काफी स्ट्रॉन्ग है, इनको आप ब्लैंकेट, क्विल्स, बेड कवर्स ही नहीं बल्कि अपने डोमैट्स हैंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इनकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, योर क्लोथ्स विल जस्ट नॉट मूव। तो अब आप अपने हेवीएस्ट ब्लैंकेट्स, क्विल्स, डोरमैट्स को वरी फ्री हैंग एंड ड्राई कर पाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, हम सभी लोग अपने घर पे डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स एंड लिक्विड्स यूज करते हैं, जैसे कि बॉडी वॉश, शैम्पूज, लिक्विड डिटर्जेंट, लिक्विड डिश वॉश एक्सेट्रा। बट द प्रॉब्लम इज, एंड आपने भी ये नोटिस किया होगा कि विंटर्स में इन सभी लिक्विड्स की कंसिस्टेंसी काफी थिक हो जाती है एंड ये इजिली बॉटल से स्क्वीज आउट नहीं होते, तो उनके लिए आप यूज कर सकते हैं ये डिस्पेंसर पंप्स। दिल रियली मेक योर लाइफ ईजी। इनकी पाइप काफी लॉन्ग है तो आप इनको लार्ज बॉटल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। यूज करने से पहले इनके हेड को इस तरह से ट्विस्ट करके ओपन कर लें। बॉटल्स की हाइट के अकॉर्डिंग इस पाइप को कट कर लीजिए एंड दैट्स ऑल। विद इन सेकेंड्स आपके डिस्पेंसर्स रेडी हो जाएंगे एंड वी ऑल नो दे आर वे मोर कन्वीनियंट टू यूज। तो हमारे यहाँ पर अलग अलग टाइप की 5 बॉटल्स रेडी हो गई हैं। लेट्स क्विकली ट्राई देम। हेयर इज योर लिक्विड डिश वॉश, दिस इज योर ऑलिव ऑयल, दिस इज शैम्पू, दिस इज बॉडी वॉश। अगर बाय चांस आपकी बॉटल का नेक छोटा है तो ये कैप उस पे लूज तो रहेगी बट आप इसकी फंक्शनिंग में कोई इश्यू फेस नहीं करेंगे। Also guys, ये जरूरी नहीं है कि हम इन dispensers को purchase ही करें। आप old and empty bottles के dispensers भी similarly use कर सकते हैं। Coming to the next product, सबसे ज्यादा common problem है lack of space to organize all our stuff। इसीलिए we always try कि जो भी हमारे घर के small और narrow corners हैं, उनको हम smartly use कर पाए ताकि उनकी space properly utilize हो पाए। जैसे कि ये हमारी किचन में डिशवॉशर और कैबिनेट्स के बीच में छोटा सा गैप था जिसको हम यूज करना चाहते थे, बट क्योंकि यहाँ नीचे डिशवॉशर की फिटिंग्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर कोई भी शेल्फ या ट्रॉली नहीं रख सकते थे। तो अगर इस तरह के नैरो स्पेसेस आपके घर में भी हैं तो आप उनको स्मार्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे ये पुल आउट स्लाइडिंग हुक्स, दे आर अ बिग स्पेस सेवर। इनको होल्ड करने के लिए आपको 2 डबल साइडेड स्टिकर्स भी मिलते हैं। इनका कवर रिमूव करके पहले इनको बार पे स्टिक करिए, देन दूसरी साइड का भी कवर हटा के इनको रिक्वायर्ड सरफेस पे स्टिक कर लीजिए। इंस्टॉलेशन डन विद इन सेकेंड्स। सी हाउ स्मार्टली दे आर डिजाइंड। इस तरह से स्मॉल स्पेस भी यूटिलाइज हो गई, क्लीनिंग टूल्स भी ऑर्गेनाइज हो गए, दे आर इजी टू पिक एंड दे आर नॉट विजिबल एज वेल। दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, बट आप इसको मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजें हैंग करने के लिए।
मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, दिस इज नॉट सो मच ऑफ अ प्रोडक्ट बट अ वेरी हेल्पफुल हैक। इस तरह के जो मेटल प्लांटर्स होते हैं दे डेफिनेटली लुक वेरी क्लासी, बट जब हम एक प्लास्टिक पॉट में प्लांट इसमें रखते हैं तो इसमें दो प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉट के बेस में जो ये ड्रेनेज होल्स होते हैं ये कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं, एक्स्ट्रा वाटर प्लांट की रूट्स में रह जाता है एंड द रिजल्ट इज दैट दे रॉट। एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज मेटल प्लांटर में वाटर रह जाता है जिसकी वजह से पूरा रस्ट लग जाता है। सी, ये प्लांटर अंदर से कितना खराब हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दो स्टेप्स फॉलो करेंगे। इसके लिए आप कोई भी पॉलिथीन यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रेड का रैपर यूज कर रही हूँ। इसको हम नीचे से कट कर लेंगे ताकि हमको इसका बेस मिल जाए। अब हमको चाहिए थोड़े से स्मॉल पेबल्स। हमने जो ये बेस प्रिपेयर किया है इसके ऊपर हम ये पेबल्स को स्प्रेड कर देंगे। मैं यहाँ पर एक फ्रेश मेटल प्लांटर ले रही हूँ और अब हम इस बेस को एज इट इज इस प्लांटर के अंदर रख देंगे। एंड दैट्स ऑल, अब हम इस प्लास्टिक पॉट को प्लांटर के अंदर रख लेंगे। इस छोटे से हैक के 3 बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे प्लास्टिक पॉट के बेस पे जो ड्रेनेज होल्स हैं वो ब्लॉक नहीं होंगे, जिससे प्लांट और रूट्स हेल्दी रहेंगे। सेकेंडली, पेबल्स में जो वाटर रहेगा उससे प्लांट को और लीव्स को कंटिन्यूसली मॉइस्चर मिलता रहेगा। एंड फाइनली, पॉलिथिन लगाने की वजह से आपका मेटल प्लांटर सेफ रहेगा, उस पर रस्ट नहीं लगेगा। एंड फ्यूचर में अगर कभी वाटर लीक भी करता है तो आप पॉलिथिन कभी भी चेंज कर सकते हैं एट नो कॉस्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये माइक्रोफाइबर डस्टर। ये डस्टर मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी रिकमेंड किया था एंड इट हैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस होम इम्प्रूवमेंट वीडियो ओनली बिकॉज इट्स सो गुड। दिस डस्टर मेक्स योर टास्क ऑफ डस्टिंग सुपर क्विक। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डस्टर स्मॉलेस्ट स्पेसेस में एंटर करके उनको क्लीन कर देता है। नो मैटर हाउ नैरो द स्पेस इज, दिस डस्टर विल रीच देयर एंड क्लीन इट। देन इस डस्टर को आप 100 इंचेस तक एक्सपैंड कर सकते हैं। Let's just say कि अब आपको डस्टिंग के लिए बार बार लैडर नहीं निकालनी पड़ेगी। Then, आप इसके हेड को इस तरह से बेंड कर सकते हैं जिससे आप टॉप शेल्स की क्लीनिंग भी क्विकली कर पाएंगे। इस डस्टर से आप हाईएस्ट कॉर्नर्स की क्लीनिंग भी कन्वीनियंटली कर पाएंगे। कमिंग अप टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज अ स्मॉल ओवर द डोर हुक, जो कि अगेन बहुत यूजफुल है। कहीं भी आपको कोई चीज टेम्परेली हैंग करनी है एंड आप कमांड हुक स्टिक नहीं करना चाहते, देन दीज आर जस्ट परफेक्ट एंड क्वाइट स्ट्रॉन्ग एज वेल। इनको आप किचन में यूज कर सकते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक बैग स्टोर करने के लिए या फिर कुछ किचन टूल्स हैंग करने के लिए, या आप इसको किचन नैपकिंस हैंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। इनको मैं अपने वर्क स्टेशन के पास अपने हेडफोन्स हैंग करने के लिए भी यूज करती हूँ। दिस वे आई सेव अप ऑन माई डेस्क स्पेस। देन आप इसको एक्स्ट्रा बास्केट्स हैंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ मेडिकल सप्लाईज रख रही हूँ। ये सब सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बट इसके यूजेस एंडलेस हैं। कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करने के लिए दीज हुक्स आर जस्ट परफेक्ट। कमिंग टू अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, रेगुलर यूसेज के बाद क्लोथ्स पर जनरली इस तरह के रोए दैट इज लिंट डेवलप हो जाता है। इससे जो हमारे क्लोथ्स हैं वो ओल्ड एंड शैबी लुक देते हैं। इन सभी क्लोथ्स को वापस न्यू बनाने के लिए ऑल यू नीड इज अ पावरफुल लिंट रिमूवर। ये लिंट रिमूवर सभी फैब्रिक्स पे मैजिकली वर्क करता है। इसको मैं मोर देन 1 ईयर से यूज कर रही हूँ एंड इसके रिजल्ट्स आर जस्ट अमेजिंग। यू कैन सी ये कितना क्विकली सारा लिंट रिमूव कर रहा है विदाउट हार्मिंग द फैब्रिक।
द बेस्ट पार्ट इज कि ये कॉर्डलेस है, आप इसको चार्ज करके यूज कर सकते हैं एंड इजिली ट्रैवलिंग के टाइम भी कैरी कर सकते हैं। जस्ट लुक एट दैट, दे ऑल आर लुकिंग ब्रांड न्यू। सारा लिंट यहाँ इस बिन में कलेक्ट हो जाता है, इट इज डिटैचेबल। इसके साथ में आपको एक ब्रश भी मिलता है जिससे आप इसको थॉरली क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ में आपको एक यूएसबी केबल भी मिलती है, इसको आप किसी भी चार्जर में प्लग करके अपने डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। कमिंग टू द फाइनल प्रोडक्ट, हियर इज अ स्मॉल डस्टबिन। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि इस डस्टबिन में ऐसी क्या खास बात है। एक्चुअली आई थिंक ये बहुत ही प्रैक्टिकली डिजाइंड है। देखिए, हम घर के अलग अलग रूम्स में, अलग अलग बाथरूम्स में बड़े डस्टबिन तो नहीं रख सकते, पर छोटे रख सकते हैं। दे डोंट लुक ऑड एंड दैट्स माई फर्स्ट रीजन टू रिकमेंड दिस। इट्स स्मॉल बट इट्स इनफ। सेकेंडली, इसको आप पेडल से भी ओपन कर सकते हैं एंड पुश करके भी ओपन कर सकते हैं। फाइनली, इस डस्टबिन में ये रिम भी है गार्बेज बैग को होल्ड करने के लिए। वी आर यूजिंग दिस डस्टबिन ऑल अराउंड आवर हाउस। ये हमारे सभी बाथरूम्स में है, लिविंग रूम के साइड में एक छोटा सा स्पेस है वहाँ भी रखा हुआ है, एंड दिस माई वर्क स्पेस तो एक एग्जैक्टली वहाँ रखा हुआ है। सो बेसिकली, अगर आप भी अपने घर के लिए स्मॉल कॉर्नर्स के लिए कोई छोटा सा डस्टबिन ढूंढ रहे हैं, देन यू शुड गिव दिस अ ट्राई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में सबसे यूजफुल प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए, और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियोज के लिए जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।